Hey guys, if you like our video, then hit the like buttons, share this with your friends in WhatsApp, FB, Insta, and subscribe our channel and hit bell icon to never miss another update. Thank you. Hi guys, this is Chirag from SES. As per we know that, aaj bhi kuch naya karenge, right na guys? So, we are talking about direct and indirect speech here. यहाँ पर उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है. बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें सारे के सारे टेंस हमें पता होना चाहिए. टेंस के साथ साथ उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमें पता होना चाहिए. राइट, लेट्स वॉच. एंड हियर इज अ वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस. राइट गाइस, जैसे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने जो पढ़ा हुआ है हमारे क्लास में, वो भी यहाँ पर हम यूज करेंगे. क्योंकि जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस हो गए, उस तरीके से यहाँ पर जैसे कि डायरेक्ट के इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जेशन होगा, वो भी चेंजेस होता है. ओके, सो जैसे कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं अगर आपको कुछ कह देता हूँ डायरेक्टली, राइट, तो वो डायरेक्ट स्पीच है. एंड समथिंग इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया जाए, यानी कि वो थर्ड पर्सन के लिए कोई दो पर्सन बात कर रहा होता है और बाद में वो थर्ड पर्सन को वही बात दोहराई जाती है, तो दैट इज वन काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच. राइट गाइस, सो लेट्स वॉच. डायरेक्ट स्पीच इज द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट इज समथिंग सेड कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. राइट, वो कैसे, जैसे क्वेश्चन मार्क्स में होगा, हमने पंक्चुएशन मार्क्स में पढ़ा हुआ था. आर यू यूज्ड टू द सेट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच. यहाँ पर है मॉम साइड, मॉम ने कहा था वेयर आर माई कीज, मेरी की कहाँ पर है. राइट, दिस आइसक्रीम इज डिलीशियस, साइड द टॉम, टॉम ने कहा था कि ये आइसक्रीम डिलीशियस है. हैव यू बॉयज वॉश्ड योर हैंड, राइट, आस्क द डैड, डैड ने पूछा था. तो यहाँ पर सारे के सारे जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच पे है. राइट, तो व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच राइट नाउ. तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि यू कैन रिपोर्ट व्हाट द समवन से विदाउट यूजिंग दैट एग्जैक्ट वर्ड्स दैट टू डू दिस वर्ब, यूज वर्ब्स लाइक से, आस्क, टेल, फॉलोड बाय दैट. जैसे कि हम यहाँ पर वर्ड्स यूज करेंगे से, आस्क, टेल, राइट, और उसके बाद हम यूज करेंगे दैट. दिस इज अ कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच. एंड द सर्वल डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस विच इज द डायरेक्ट स्पीच एंड द सेंटेंस विद द इनडायरेक्ट स्पीच. यू डोंट यूज द क्वेश्चन मार्क्स विद द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. यू कैन द चेंज द टेंसेस ऑफ द वर्ब्स. You can change the pronoun and the determinants, right? तो यहाँ पर तीन चेंज करने हैं हमें, right guys? जैसे कि हमें वो inverted comma में लिखा हुआ sentence है, वो हमें remove करना है, right? और दूसरा change करना है tense का, कहाँ पर कौन सा tense है, वो हमें कैसे change करना है, वो देखना है, right guys? और third one देखना है कि you can change the pronoun and determinant. तो जैसे कि sentence में जब नाम इस्तेमाल किया होगा, तो उस according हमें उसके pronunciations भी change करने हैं. और डिटरमिनर्स भी चेंज करने हैं, राइट? यस्टरडे होगा तो कुछ उसका चेंजेस हो जाएगा, राइट? प्रीवियस डे ऐसा कुछ, और समथिंग लाइक दैट टुमारो होगा तो भी उसका भी चेंज भी हो जाएगा, राइट? तो देखते हैं लाइक यहाँ पर हियर आर द सम एग्जांपल. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिए गए हुए हैं, राइट गाइस? डायरेक्ट स्पीच में मैगी सेड आई फेल, राइट? इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट कैसे, मैगी सेड दैट सी फेल इन. यहाँ पर साइड है, यहाँ पर भी साइड है, ये इन्वर्टेड कोमा निकल गया यहाँ पर से कोमा, और यहाँ पर डेट कंजक्शंस के दौरान यूज किया आई, यानी कि यहाँ पर आई कौन है, मैगी. तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे गाइस, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउन, राइट गाइस? ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो आई इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसका बारे में यहाँ पर आई यानी कि मैगी है, राइट? तो यहाँ पर मैगी यानी कि कल सी चेंज हो गया. दूसरा चेंज ये वाला फील, यहाँ पर हमने फेल्ट कर दिया, ठीक है गाइस? तो दिस इज द सेकंड चेंज. यहाँ पर यू कैन आल्सो साइड सुमिको साइड, सुमिको साइड इज द सेम इट इज, बट आफ्टर वी रिमूव द कोमा एंड इनवर्टेड कोमा एंड पुट द दैट, सेम इट इज ऑल्सो द प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो हमने डायरेक्टली वही यूज किया. इट इज यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है उसका हमने पास्ट किया यहाँ पर, राइट? एंड द टाइम टू द लीव सेम इट इज द अनदर फैक्टर्स, सेम इट इज. नेक्स्ट वन इज यहाँ पर बाद में देख सकते हो, आई कैंट फाइंड माय बुक,
said the Eli said that she couldn't find her book like this way, right guys? तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये sentence को translate करते हैं. Generally कहाँ पर changes मिलते हैं direct में से indirect speech करने के दौरान? ज्यादातर हमें यहाँ पर said पे focus करना है, right? तो यहाँ पर सारी की सारी जगह हमने said किया हुआ है. तो जब उसका indirect करेंगे तब भी हम said ही इस्तेमाल करते हैं, right guys? सेकेंड थिंग, जब वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है तो हमें उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, राइट? सिंपल है, राइट? और जैसे कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, उसका प्रोनाउन. ये सिंपल है, इतना, राइट गाइस? नेक्स्ट आगे देखते हैं. So indirect speech that people often the leave out the conjunction that. कभी कभार मैगी साइड सी felt ill, right? यहाँ पर आप देख सकते हो सभी के सभी जगह आपने that लिखा हुआ है. And when you are using the indirect speech that the report a statement that is still true. Now you don't change the tenses. यहाँ पर तो आपने देखा he dad said he didn't his breakfast yet. कभी कभार ऐसा भी होता है कि that वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तो ऐसा भी होता है कि that का इस्तेमाल हर वक्त नहीं होता, right? तो when you are also the using the imperative, जब statement ऐसा होता है, जैसे कि simple present tense का होगा, क्योंकि वो सारे के सारे sentence कैसे होंगे true, यानी कि वो universal truth भी हो सकता है guys. तो यहाँ पर देखो जैसे कि mom doesn't like the fish, उसको fish पसंद ही नहीं है, right? So John said that mom यानी कि his mom, right? Doesn't like fish. यहाँ पर doesn't का doesn't ही रहा, right? I live in the house by the sea, right? तो Anna said that she lives in the house, right? यहाँ पर she lives का actually यहाँ पर I के साथ live use हुआ, पर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर she pronoun use किया इसलिए lives हो गया, right guys? Same it is यहाँ पर next में देखेंगे that said Paris is यहाँ पर is है तो यहाँ पर भी is है. There is a no changes, right? This is a simple basic concept, right? Next one is that indirect pronouns. Okay guys, so use the verb like order, tell, want. जैसे कि ये सारे के सारे जो verb है. Report to the order and the instructions that the constructions to plus verb or not to plus verb may also be used. यहाँ पर ऐसा भी use होता है जैसे कि order में. Teacher said, "Stop running in the corridor." Right? यहाँ पर corridor में नहीं दौड़ना है, ऐसा teacher ने instructions दिया है. तो teacher order, यानी कि वो order दे रहे हैं, right? Ordered us to stop the running in the corridor. Right? Next one is the put your books away, children. तो यहाँ पर आप देख सकते हो said Mr. Park, ऐसा पूरे का पूरा Mr. Park ने कहा हुआ. तो यहाँ पर said का told to the childrens. Put their books away, right guys? And Jack said to Maggie, "Please don't tell any more the secrets." Jack begged. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हो जिसकी said to Maggie and begged Maggie. तो indirect speech में इस तरीके के changes हम ज़्यादातर देख सकते हैं. Miss Lee said to the Ellen, and Miss Lee warned to the Ellen not be too late again the tomorrow, right? So यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर tomorrow का क्या होगा the next day, right? अब जब बात हो रही है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन के, यहाँ पर एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट लेकर आया हुआ, जैसे कि आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है जैसे कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है क्या क्या चेंजेस हो रहा है, वरना ये टॉपिक बहुत बड़ा है. हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में और नेक्स्ट क्लास में हमारा, जैसे कि वो डिस्क्रिप्शन के साथ हम वो पूरे का पूरा पढ़ेंगे. यहाँ पर देखिए कि सैली साइड वेयर इज माई बिग पेन, एक्चुअली जब यहाँ पर आप यूज कर रहे हो तो ये यहाँ पर साइड का आस्क हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम वर्ब आस्क का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट गाइस? सेम इट इज यहाँ पर पीटर सेड तो पीटर आस्क हुआ, राइट? एंड वेयर इज मैगी, यहाँ पर आपने डब्ल्यूएच को ही कंजक्शंस के रूप में हम यूज कर लेंगे. वेयर हर द बैकपैक वाज, राइट गाइस? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, यहाँ पर आप देख सकते हैव यू फिनिश्ड, राइट? तो आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, right guys? जब भी to be form have as head से हम यानी कि auxiliary से करेंगे तो auxiliary से direct use करेंगे,
हम पर ज्यादातर जब हम WH से क्वेश्चंस करेंगे तो हम कंजक्शंस के दौरान WH वर्ड्स ही रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हो वेयर, जैसे कि यहाँ पर राइट, तो हमने यहाँ पर कंजक्शन के दौरान वेयर ही इस्तेमाल किया, बट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हैव से शुरू हुआ सेंटेंस राइट, तो हम यहाँ पर इफ और वेदर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे राइट गाइस। आज तो होगा ही, पर कंजक्शन के दौरान जब WH वर्ड्स हो गए तो WH जो सेंटेंस में क्वेश्चंस में पूछा हुआ वही यूज करेंगे, और उसका इनडायरेक्ट स्पीच करने के दौरान भी वही यूज करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो राइट गाइस। बट ऐसा हो सकता है कि जब हैव हैज और अनदर वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तब आपको उसको इफ और वेदर से वो सेंटेंस को कंबाइंड यानी कि जोड़ना है, ठीक है गाइस। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट यहाँ पर यह कहा था रिपोर्ट द क्वेश्चंस टू पुट द सब्जेक्ट्स बिफोर द वर्ब्स और द हेल्पिंग वर्ब्स राइट, रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट्स कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन। हियर इज सम एग्जांपल, the subjects are the printed in the bold and the verbs are the printed in the colors. यहाँ पर आप देख सकते हो where are they going? I ask where are they going? यहाँ पर actually यहाँ पर subjects नहीं दिखाई दिया, so it means that you have to generate by yourself, right? Can the Jack ride his bike? I ask if the Jack could ride his bike. यहाँ पर सभी के सभी questions ही है, right? It means Lee sing a song. I ask whether. यहाँ पर देखो यहाँ पर जब whether का इस्तेमाल किया हुआ है, did का इस्तेमाल किया, यहाँ पर can का इस्तेमाल हुआ तब could हो गया, यहाँ पर are का तो यहाँ पर ask do already हो गया है, फिर यहाँ पर हमने where use किया हुआ, right guys? Has का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर if का और had यहाँ पर हो गया है। इस तरीके से हमें change करना है। एक तो tenses के change compulsory है guys, right guys? हमें tenses के change compulsory करने हैं, right? जैसे कि यहाँ पर है प्रेजेंट का पास्ट हो गया राइट, यहाँ पर हैज प्लस वी थ्री है, देखो गाइस तो परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट का ओके परफेक्ट है पर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट राइट गाइस। ओके क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड्स ऑप्शंस एंड क्वेश्चन वर्ड्स इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ पर देखो जैसे कि वेयर का इस्तेमाल किया तो वेयर ही है, वो का इस्तेमाल किया है तो वो ही है राइट, what का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर what ही है right, and why का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर why से ही हमने सेंटेंस को कंबाइन किया है यानी कि जोड़ा हुआ है, आप देख सकते हो right? जैसे कि इसका मतलब होता है mom said where are your shoes, मम ने पूछा आपके shoes कहाँ है, mom asked, मम ने पूछा where my shoes were right, मेरे shoes कहाँ है, मम ने पूछा था। Same it is Maggie said who has taken my pen, Maggie asked who had taken her pen, यहाँ पर my का changes हो गया her right, देख सकते हो एक changes यहाँ पर आप ये भी right guys कि यहाँ पर are हुआ है right, तो यहाँ पर उसका where हो गया है, tense के changes right, यहाँ पर आप देख सकते हो has taken right, तो यहाँ पर आप देख सकते हो had taken हो गया right guys, or next one is the what time does the show start right, and she asked what time the show started right guys, start actually yahan par does hai, jaise humne pata kiya tha aur humne bataya bhi tha aapko jab कि ऑक्सिलरीज होती है हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसके साथ ऑलवेज वी आर यूज बी वन यानी कि रूट फॉर्म ही यूज करेंगे राइट गाइस। यू डिड यू लीव, यहाँ पर लीव का और यहाँ पर डिड यू इस्तेमाल किया हुआ है तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी वेयर डिड यू लीव बिफोर द एंड ऑफ द मूवी राइट, तो यहाँ पर हो गया लेफ्ट, गॉट इट गाइस। ओके Now, where are you reporting? Yes or no? Use the if or the whether after the verb. जैसे कि is it raining? Ask the Tom. Tom asks if it is was raining. यहाँ पर आप देख सकते हो
जैसे कि क्वेश्चंस यहाँ पर इज रेनिंग राइट कंटिन्यू टेंस है तो यहाँ पर क्या होगा कंटिन्यू टेंस पर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यू होता है राइट गाइस कैन यू हेल्प अस सो यहाँ पर कुड हेल्प देम एक तो देम का इस्तेमाल यहाँ पर देम से चेंजेस हो गया अस का राइट गाइस एंड डेड साइड इट इज द ट्रेन ऑन द टाइम डेड अस इफ द ट्रेन वाज ऑन टाइम ओके गाइस सो गाइस यहाँ पर एक्सरसाइज है जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ बेसिकली हमें यहाँ पर यही जानना है कि जैसे कि कौन सा डायरेक्ट स्पीच में है कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच में है डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे चेंजेस मिलता है जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी आर ट्राई टू चेंज द टेंसेस राइट यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई हुई है फिलिंग द ब्लैंक्स द स्पेस विद द वर्ब इन द करेक्ट टेंस राइट तो फर्स्ट वन हैज ऑलरेडी डन फॉर यू जैसे कि यहाँ पर देखा आई एम द वेरी टायर्ड साइड द डेड तो डेड साइड दैट ही यहाँ पर क्या है वोस यहाँ पर ऑलरेडी हमने चेंजेस किया हुआ है यहाँ पर राइट गाइस एम का यहाँ पर किया हमने वोस राइट गाइस ओके नेक्स्ट वन इज यहाँ पर आप देख सकते हो यू लुक द वेरी हैंडसम माइक साइड माइक ने ऐसा कहा कि आप बहुत अच्छे ओके माइक साइड मॉम एक्चुअली यहाँ पर देखो मॉम टोल्ड टू द माइक माइक को ऐसा बताया हुआ है दैट ही ब्लैंक्स वेरी हैंडसम यहाँ पर हमें टेंस का चेंजेस करना है राइट मॉम ने ये पूरे का पूरा सेंटेंस किया तो यहाँ पर मॉम टोल्ड राइट माइक दैट माइक को बताया दैट ही यहाँ पर ही ऑलरेडी यूज कर लिया यू का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है माइक के लिए राइट गाइस तो उसके बाद यहाँ पर क्या है लुक तो यहाँ पर हम लुक का क्या हो जाएगा लुक्ड राइट एंड यहाँ पर देखो द टीचर साइड सैम हैज नॉट मेड एनी मिस्टेक्स द टीचर साइड दैट सैम ब्लैंक्स नॉट मेड एनी मिस्टेक्स हैज नॉट हैड नॉट मेड यहाँ पर हैड आ जाएगा जैसे कि ये टेंस कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए राइट तो यहाँ पर जो टेंस पहले सेंटेंस पे दिखाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस का है पर यहाँ पर पास्ट हो गया यहाँ पर भी पास्ट हो जाएगा यहाँ पर हैज प्लस नॉट प्लस मेड वी थ्री राइट तो परफेक्ट प्रेजेंट है यहाँ पर परफेक्ट पास हो जाएगा आई एम लूजिंग यहाँ पर यानी कि ये देखो कंटिन्यू का है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे वे आर लूजिंग राइट तो यहाँ पर कंटिन्यू तो है ही और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू है इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यू ओके सो यहाँ पर और भी एक्सरसाइज है जो आप कर लेना अपने आप आपको ये पूरी की पूरी अपने आप करके पता चलेगा कि कौन से टाइप्स के एक्सरसाइज होती है ओके नेक्स्ट वन इज दैट कंप्लीट दिस इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोनाउन और द डिटरमिनेंट ओके यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि माय हेड इज द एकिंग द साइड द सारा हेड एकिंग तो यहाँ पर सारा के बारे में बात कर रहा सारा साइड दिन हर हेड वाज एकिंग हर आई लाइक ही लाइक ब्लैंक्स न्यू बाइक यहाँ पर इसके बारे में बात की हुई है आज तो ही लाइक तो ऑलरेडी हुई गई है योर यानी कि यहाँ पर डिटरमाइंस के दौरान योर न्यू बाइक राइट डेन टोल्ड मी डेन ने मुझे कहा है राइट तो उसके मुताबिक आपको माई का क्या होगा माइन so on so tom and the peter said we will the go we sorry tom said the peter said we will give you our seat tom and peter said that we ka yahan par ho gaya they right would will ka would give ka give us our cars blank seat yahan par you ka chhodna hai aapka right same it is yahan par aap aise exercise kar sakte ho next one is that Rewrite the following sentence. आपको sentence following लिखना है indirect speech में और the indirect questions और the indirect commands. First आपके लिए क्या हुआ है? Are you feeling ill? Said the mom. Mom asked if I was the feeling ill. Right? यहाँ पर आपको छोटे-छोटे sentence को हो वो आपको convert करने हैं. ठीक है? If you have any kinds of the queries, then please write me and you want to this all of this exercise. So please आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक में से ले सकते हैं ठीक है
Thank you.